वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक और नवे वीडियो में। और आप सबको भरत इंदौरी का हेलो। दोस्तों, हम आए हैं हमारे कोरोना की पहली वैक्सीन का डोज, शायद लिस्ट का अनाउंस कर रहे हो कि किसका नंबर क्या है, तो हम भी थोड़ा उनसे जाके पूछ लेते हैं कि आगे की क्या प्रोसेस है। हो सकता है कि जो हमने रजिस्ट्रेशन करवाया वो हमको दिखाना। अगर सच कहूँ तो अभी मन में थोड़ा डर भी, एक्साइटमेंट भी, और उसके अलावा बेचैनी भी है। वो क्यों है? क्योंकि न्यूज़ पॉजिटिव भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है। लेकिन आप खुद जानते हैं कि अगर इस महामारी से हमको लड़ना है तो वैक्सीनेशन के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। सो फिलहाल हम तो जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने। तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप भी रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवाएं अपना, क्योंकि पहले तो रजिस्टर आप हो नहीं पा रहे हैं, साइट ऑलमोस्ट पूरी तरह से बुक चल रही। जब भी आप करेंगे तब। संजय कुमार पिटोदिया ना, प्रतीक निगम, प्राची जैन, पलक जैन, ये हो रही है मेरा नाम। आराम से आ जाएगा, नंबर सबका आएगा। नाम तेज बोल रहे हैं बहुत। सुबह की भीड़ में तो आधे लोग भी नहीं बचे, बताते हो जाएगा। चालू है? हाँ जी चालू। सामने फिलहाल दोस्तों, जहाँ मैं अपना वैक्सीनेशन करवाने आया हूँ वहीं पर ये मैडम है, इन्होंने पूरा यहाँ का इंतज़ाम किया हुआ है। तो मैडम, आपका नाम और आप क्या बोलना चाहेंगे जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे होंगे? मैं श्रीमती उमा अहिर, मेरा निवास स्थान यहीं सरसंपन मानवता नगर में है। और मैंने ये वैक्सीन का इसीलिए कोशिश करी कि यहाँ पर सब लोगों को वैक्सीन लग जाए, और लगना भी चाहिए। अभी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है कि युवा लोगों की ही जो डेथ दिख रहा, तो उस हिसाब से ये लोग वैक्सीन लगवा लेंगे तो सभी की सेहत के लिए और सभी के लिए फ़ायदेमंद। और जो लोग डर रहे हैं, जैसे स्पेशली आप गाँव में देखेंगे तो लोग डर रहे हैं, और जो वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं उनको लोग एक्चुअली लगाने नहीं दे रहे, तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, डरो मत, वैक्सीन से डरे मतलब फिर तो बहुत सारा काम खत्म। वैक्सीन से आप सुरक्षित हो जाएंगे ज़्यादा अच्छे से, और अपने आप को मतलब इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी। चलिए मैडम, थैंक यू। तो अभी मैडम इनको वापस क्यों रोका जा रहा है, मतलब जिनका हो गया उनको? हाँ जी, मतलब उसका क्या इफेक्ट, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रहा है, उसलिए रोका जा रहा है क्या? आधा घंटा। अच्छा ठीक। इंदौरी जी को सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भैया। तो अभी कैसा लग रहा है, थोड़ा एक्साइटमेंट है, डर है कि क्या है? जो डर तो बिल्कुल भी नहीं, एक्साइटमेंट ही है। क्योंकि अभी जो आप न्यूज़ देख रहे हैं तो दो तरह की न्यूज़ आ रही है। हाँ, पहले आपको ये आ रही है कि लगवा रहे हैं, ठीक है, वो लोग भी बोल रहे हैं लगवाना चाहिए। हाँ, कुछ लोग उससे भाग रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवानी है। देखो, वैक्सीन है जो अपने अच्छे के लिए ही है, भागना मतलब वो अफवाहों पे जो बिलीव करेगा वो भागेगा, बाकी है तो इम्यूनिटी अपनी बढ़ेगी, अपन ही बचेंगे उससे। उसको ख़त्म करने का हमारे पास अगर कोई तरीका है तो वो क्या है? क्योंकि वैक्सीन जब वैक्सीन नहीं बनी थी तो बोलते वैक्सीन नहीं बना रहे, श्योर वैक्सीन बन गई तो लगवा नहीं रहे, तो इसका कुछ नहीं करना। तो अभी आप एक्साइटेड है ना इस चीज़ के लिए? चलिए, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग आप देख रहे हैं वो आए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, स्पेशली अगर गांव के एरिए की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर लोग डर रहे हैं। तो आपको डरना नहीं, क्योंकि विकल्प आपके पास कुछ है नहीं, आपके पास ऑप्शन यही कि आप वैक्सीन लगवाओ एंड अपने आप को भी सेव करो और दूसरों को भी सेव करो। तो फिलहाल दोस्तों, हमने तो वैक्सीन लगवा लिया है, फिलहाल ये इधर भैया बैठे हैं, इन्होंने वैक्सीन लगाया। संदीप व्यास जी ने भी अपना वैक्सीनेशन करवा लिया है। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे जो लोग डर रहे हैं एक्चुअली वैक्सीनेशन? डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सभी लोगों को लगवाना चाहिए, वैक्सीनेशन ही आखिरी उपाय है, इलाज इसका यही है कोरोना का। और अभी आपको कितना टाइम होगा, मतलब आधा घंटा हुआ कि नहीं हुआ अभी लगा? मेरे को 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं लग रहा होगा ना, क्योंकि 30 मिनट्स का यहाँ पे बताया गया है कि आप 30 मिनट वेट कर लीजिए, कोई साइड इफ़ेक्ट आपको दिख रहा है तो आप बता दीजिएगा। तो हम लोग भी उसी लिए रुके हुए हैं, और उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद
ही कुछ आगे स्टेप लेना, क्योंकि जनरली बहुत सारे क्या कर। तो फिलहाल हमको हो चुका है यहाँ पर आधा घंटा, तो अब हम लोग निकल रहे हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा मेरे को, बस यहाँ हल्का सा वो जब सुई लगती है तो ऑलरेडी वो पेन होता ही है, तो वो वाला पेन है। उसके अलावा ऐसा कुछ विशेष अभी तक तो नहीं लगा, और बाकी मैं आपको अपडेट दे ही दूंगा शाम तक क्या हो रहा है उसके अलावा भी। चलिए हम लोग पहले चलते हैं घर, और घर जाके मैं आपसे बात करता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों मैं एक्चुअली वैक्सीन लगवा करके घर पे आ गया था, और अभी फ़िलहाल नहा धो लिया हूँ, उसके बाद ही वापस अगला आगे का व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ। तो अभी तक तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि वैक्सीन लगाया मेरे को करीबन एक या डेढ़ घंटा तो हो चुका, डेढ़ घंटा हो गया। तो बस यहाँ दर्द जो होता है नॉर्मली, तो वो दर्द हो रहा है, और बाकी और क्या होता है ये शाम तक हमको पता लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी के लिए वीडियो मैं यहीं रख रहा हूँ, बाकी शाम तक आपको रिव्यू बताता हूँ कि भाई वैक्सीन लगने के बाद शाम को क्या हो रहा है एग्जैक्टली, और क्या आपको लगवानी चाहिए। बिल्कुल लगवानी चाहिए तो ऑब्वियसली, लेकिन आप मेरे को देख करके जो डेली मेरा व्लॉग आएगा उसमें आप मेरे को देख करके देख सकते हैं कि अगर मेरे को क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, वो आपको रेगुलर पता लगता रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ भी शाम को ही हम लोग वापस आगे का व्लॉग शूट करेंगे, तो शाम को अपने को पता लग जाएगा एग्जैक्टली कि क्या आखिर उसका रिएक्शन हुआ मेरे को या ना हुआ। मैं आया हूँ छत पे, और अभी तक तो कुछ ऐसा कुछ वैक्सीन का मेरे को साइड इफ़ेक्ट दिखा नहीं, बस ये थोड़ी सी ज़्यादा, तो क्या है वो अपन जब वैक्सीन लगता है तो थोड़ा दर्द होता है, तो वो हल्का फुल्का जो दर्द है वो तो है ही अभी, और उसके अलावा मेरे को भूख ज़्यादा लग रही है आज। सो हो सकता है उसका कुछ यही साइड इफ़ेक्ट हो, खाना ज़्यादा खाओ। तो अरुणी और ये खाना बनाते हुए थोड़ा परेशान हो रहे हैं कि जब देखो तब खाना मांग रहे हैं ये, तो भूख ज़रूर मेरे को ज़्यादा लग रही है। उसके अलावा तो मेरे को अभी तक कुछ ऐसा दिखा नहीं। बिना लाइट के फैन चल रहा है, बिना लाइट के कूलर चल रहा है, हवा से चल रहा है एक्चुअली। सो बाकी और क्या रहता है तो मैं रात तक आपको पूरा क्या हुआ, क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है अभी पूरा, क्या मेरे शरीर में कुछ चेंजेस आया कि अभी कुछ, मतलब इन द सेंस ऑफ कि कोई साइड इफ़ेक्ट, तो मेरे को फ़िलहाल अभी तक ऐसा तो कुछ भी कहीं से कहीं तक नहीं लगा। वो तो उसमें क्या रहेगा कि क्या क्या कुछ दिक्कतें आ रही है, तो वो सारी दिक्कतें आपको वीडियो में ऑलरेडी पता लगता रहेगा कि कोई साइड इफ़ेक्ट आया नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक चीज़ तो ये कि वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव फीलिंग्स ज़्यादा आ रही है अभी कि हाँ वैक्सीनेटेड हो गए, थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। एक थोड़ा सा मेंटली जो प्रेशर होता है वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी सेफ्टी अभी भी रखना है। ऐसा नहीं कि आपको लग गए तो आप बिना उसके मास्क के, ना 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 ना, ये गलती नहीं करना है, क्योंकि अभी सबको वैक्सीन लगना ज़रूरी है। सो जिनको वैक्सीन लग गई वो भी गलती ना करे ऐसा। बाकी तो अभी शाम तक और रिपोर्ट बताता हूँ मैं। तो अभी रात के करीबन 10 बजने आए हैं, और अभी तक तो ऐसा कुछ मेरे को साइड इफ़ेक्ट दिखा नहीं। वैक्सीन आपको लगवानी है आप लगवाइए, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है इससे हमको लड़ने के लिए। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो आप अगर देखना चाहते हैं कि जिनके डर है जिनको कि यार क्या हो रहा है क्या दिक्कत आती है, तो आप मेरे जो मेरा वैक्सीन लगा आपने देखा है और वीडियो मेरे डेली आ रहे हैं, तो उस चीज़ को आप एनालाइज करके भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपसे यही बोलूँगा कि थोड़े बहुत देखो सिम्टम्स तो आएंगे, जो भी हो सकता है आए नहीं आए, तो आप वैक्सीन ज़रूर लगवाओ और अपना स्लॉट बुक करवाओ अगर बुक हो जाता, क्योंकि बुक नहीं हो रहा है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय। वैक्सीन लगाइए, सेव द ट्रीज सेव द अर्थ। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि सिर्फ आपको मेरे वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।